देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर शुरू किए गए संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की तर्ज पर बिसारनिया गांव की स्कूल ओए सिस्टर एकेडमी में सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पवन गोठवाल चुरू नेकी व मोहनलाल भारी दुधू ने बच्चों को स्वच्छ भारत का, गरीबी मुक्त भारत का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, आतंकवाद मुक्त भारत का, संप्रदायवाद मुक्त भारत का और जातिवाद मुक्त भारत का निर्माण करने की शपथ दिलाई। पवन कुमार ने एक कहानी के माध्यम से प्रेरित किया व मोहनलाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम में सरपंच पांचाराम, अभिभावक गण व ग्रामवासी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन धर्मवीर दिनोदिया ने किया। प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ने आखिर में सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। पनावड़ा न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। नए भारत का संकल्प, हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं एक नए भारत का, एक नए भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं 2022 तक नए भारत के निर्माण का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं गरीबी मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं संप्रदाय मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं जातिवाद मुक्त भारत का। नए भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम सब मन और कर्म से जुड़ जाएंगे। जय भारत। जय हिंद। हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि हैं पवन जी और मोहन जी और हमारे पिसारनिया गांव के सरपंच पांचाराम जी और बाहर से पधारे हुए कुछ अभिभावक गण और हमारे समस्त स्टाफ। मैं सभी का यहाँ पर इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है ये एक विशेष कारण से आयोजित किया गया है। आप सभी जानते हो कि हमारा देश जब गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था, उस वक्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जो था भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का जो नारा था वो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए नारा दिया गया था। वो नारा 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। उसके बाद उसकी 75वीं वर्षगांठ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शपथ लेने के लिए संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक हम अपने देश से कुछ जो चीज़ें अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमें गुलामी से जकड़े हुए हैं, जैसे हमारे देश में बहुत ही बुरी बुरी सामाजिक बुराइयां चल रही हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अगर बाड़मेर क्षेत्र की भी बात करें तो एक सामाजिक बुराई जो कि है बाल विवाह, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज, ये भी बहुत बड़ी सामाजिक बुराइयां हैं और ये आज भी हमें गुलामी से जकड़े हुए हैं। हमारी जो रूढ़िवादी सोच है उसमें हम परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। गांधी जी का नारा था भारत छोड़ो, उस नारे के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को तो भारत से भगा दिया, लेकिन हमारी कुछ रूढ़िवादी सोच जिनकी वजह से आज भी हम पिछड़े लोगों में शामिल हैं, उन रूढ़िवादी सोच को बाहर निकालने के लिए और हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए
एक शपथ लेनी होगी जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि, जिसके अंतर्गत हम अपने भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को और हमारे नागरिकों को प्रेरित करेंगे।